फ्रेंड्स, आज के दिन बहुत सारा काम था। हम लोग को अपनी कुछ कैजुअल शॉपिंग, शादी से रिलेटेड नहीं, कैजुअल शॉपिंग करनी थी। साकेत को एक रेस्टोरेंट के मैनेजर से मिलना था रिगार्डिंग देयर टेस्ट एंड एवरीथिंग, बिकॉज उनसे कुछ कोलैबोरेशन का सोच रहे हैं। तो मिराकी एंड कंपनी एक बहुत ही पॉश और सुंदर सा कैफ़े कंसेप्ट टाइप का रेस्टोरेंट है, जहाँ पे स्वीट्स के बहुत अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे आपको और बहुत सारे डिफरेंट कुजीन के ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे आप मेन्यू देख सकते हैं। उनका इंटीरियर और स्पेशली ये कॉर्नर मुझे बहुत पसंद आया, उसके बाद मैं आपको यहाँ का पूरा टूर भी कराऊंगी। तो बस आज हम इसी काम से आए थे कि कुछ अपनी कैजुअल शॉपिंग करें, जो कि बहुत दिनों से नहीं किए, क्योंकि साकेत का बर्थडे गया है, मेरा बर्थडे आने वाला है, और ये जो उनका साकेत का कोलैबोरेशन वाला काम है इन रेस्टोरेंट्स वालों से, उसके रिगार्डिंग साकेत कुछ बात भी कर ले। तो मीनवाइल साकेत काम कर रहे थे, हम यहाँ पे रेस्टोरेंट घूम रहे हैं। तो ये देखिए, ये इनका अंदर वाला इंटरनल स्पेस है। दिस इज़ सम फाइन डाइनिंग टाइप का, अगर जो फैमिलीज आती हैं या कुछ प्राइवेट मीटिंग्स, उसके लिए बहुत प्यारा, बहुत सुंदर सा है। उसके जो बाहर तरफ वाला है वो कैफ़े प्लस बेकरी है। और यहाँ ये देखिए, मैं यहाँ पे आपको दिखाते हुए एज ऑलवेज कि कितना सुंदर जगह है। उसके बाद हम धीरे से गए, हमने सेटिंग अपनी ढूंढी, उसके बाद हम बैठ गए। जनाब अभी भी यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑफिस से रिलेटेड काम कर रहे हैं, बट कोई ना, काम काम होता है। उसके बाद हमने सबसे पहले पानी पिया, उसके बाद मेन्यू देख के हमने खुद ही कुछ ना कुछ ऑर्डर किया। वैसे मुझे कुछ इंडियन खाने का मन नहीं था, क्योंकि बहुत दिन से सिर्फ इंडियन और यही सब चल रहा है। तो खाने में मैंने हम्मस विद पेटे ब्रेड ऑर्डर किया था एंड सम सैलड ऑर्डर किया था, तो देखिए आएगा अभी। और मीनवाइल मैं यहाँ पे एम्बियंस का मजा लेते हुए खाने और जनाब दोनों का वेट करते हुए जैसे ही खाना सर्व हुआ, हमने वटवट से साकेत को बुला लिया कि जल्दी आ जाओ, भूख लगी, और फिर हमने खाना खाया। और फिर हम उठ के वापस आने लगे, साकेत बिल पे कर रहे थे। तब तक मैंने सोचा कि मैं आप लोग को दिखा दूँ कि इनके पास क्या क्या सेक्शन है। ये एक बड़ा सेक्शन आइसक्रीम्स का है, और फिर स्वीट के तो इनके पास, और ये पेटिस का सेक्शन है फ्रेंड्स। और ये देखिए, मैं इनको आपको स्पेशली स्वीट का सेक्शन दिखाने साइड में लाई कि अगर आपको कुछ अच्छा मीठे में खाना है, लाइक लिटरली ऑथेंटिक एंड डिलीशियस, तो डेफिनेटली गो एंड विजिट मेराकी, इट्स ऑसम। और बस फिर हम वहाँ से निकल पड़े अपने आगे की डेस्टिनेशन के लिए। राजू भैया सबको हाय बोलिए YouTube में, और बोलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इतने बड़े बैग में क्या है। ये वो बॉटल है जिससे ऑलरेडी हम लोग पी चुके हैं, इंडियंस, ट्रूली इंडियंस। और इसके अंदर इतना बड़ा एक बॉक्स है मेराकी का, पैकेजिंग इज वेरी, इसको साके टेस्ट भी करना चाहते हैं और टेस्ट क्रैक भी करना चाहते हैं। एक्चुअली क्रैक ज्यादा करना चाहते हैं राजू भैया। अंबुजा चलना है, हम अभी मैप डाल रहे हैं, मिलते हैं आपसे अंबुजा पहुंच के। बाय बाय। अच्छा रुक जाइए राजू भैया, इतना बड़ा एक मैक्रोन इसके अंदर बॉक्स, इतना बड़ा। ओह माय गॉड, नाइस पैकेजिंग। लेफ्ट जाना भैया, आई गेस। कैसा है? अरे कैसा है वैसे, एक बार हम लोगों ने मैक्रोन ट्राई किया था, उसका भी टेस्ट ऐसा ही है, बट इतना फैंसी नहीं बन के निकल नहीं बन पाया था। हाँ, टेस्ट तो उसका भी नो डाउट अच्छा था। और मुझे पर्सनली इतना ज्यादा मैक्रोन्स इसलिए नहीं पसंद, क्योंकि मुझे ना चॉकलेट्स में भी थोड़े से वो क्या, डार्क चॉकलेट, डार्क टेस्ट पसंद है, मीठा नहीं पसंद। और मैक्रोन्स की जो अपर लेयर होती है, पूरा मैं अपना डार्क चॉकलेट का टेस्ट नहीं खराब करना, लाइक देसी बतासा। हाँ वैसा होता है ये, तो इसीलिए मुझे पर्सनली मैक्रोन्स तो खा के देखिए क्या था। सच में बहुत मीठा है, ये भी बहुत मीठा है। टेस्ट हम लोग का भी ऑलमोस्ट ऐसा ही था, बस इतना फैंसी नहीं बन के आया था, दैट्स इट। चलिए आपसे मिलते हैं अंबुजा पहुंच के। हम अंबुजा पहुंच गए थे, वहां से हमने बहुत सारी कैजुअल शॉपिंग की, साकेत ने अपनी, मैंने अपनी, यहाँ जनाब हमारा वेटिंग रूम के, ट्रायल रूम के बाहर वेट करते हुए मोमेंट अच्छा था, तो सोचा कैप्चर कर लें। हालांकि हमने सब कैजुअल लिया, कुछ भी शादी से रिलेटेड नहीं लिया, बट स्टिल हम आपको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि थोड़ा घूमने का है, तो बाद में दिखाएंगे, आप घूमते हुए हम लोग को देख लीजिएगा। तो फिर अंबुजा से शॉपिंग कंप्लीट करके फिर हम वहां से निकल पड़े। तो फ्रेंड्स अंबुजा से शॉपिंग हो गई है, जनाब ने बहुत, अरे शॉपिंग वॉपिंग कुछ भी नहीं है, बस घूमने की, कलेक्शंस अपन ऐड कर रहे हैं। हाँ, घूमने जाने वाले, तो उसके लिए अलग से एक लगेज प्रिपेयर कर रहे हैं। लगेज प्रिपेयर कर रहे हैं, 6 दिन तो 12 कपड़े। हाँ
ऑलमोस्ट रायपुर में रहने की वजह से वी डोंट हैव एनी विंटर वेयर कलेक्शन, और कोविड का जैसे कि चल रहा है तो हम लोग को लग नहीं रहा है कि हम लोग का बाहर जा पाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली बहुत जगह नहीं है, बट कंट्रीज लाइक थाईलैंड या जो चाइना के आसपास है खुली है नो डाउट, हाँ, बट थोड़े रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं और जो घर वाले हैं वो बहुत पैनिक हो रहे हैं कि नहीं नहीं फंस जाओगे। परेशान करके घूमने से अच्छा है कि पहले अपन इंडिया में घूम ले, उसके बाद जब सब कुछ नॉर्मल होगा देन वी विल प्लान। हाँ, फिर थाईलैंड वगैरह से बात नहीं बनेंगे, फिर सीधा लंदन पेरिस अपन यूरोपियन कंट्री घूमने। यस, और मीनवाइल हम लोग वहाँ का वीजा भी अप्लाई करके ले लिए, तो अभी हम लोग चल रहे मैग्नेटो, मिलते हैं आपसे मैग्नेटो पहुँच के। देखो पतिदेव हमारे बैग उठा के जाते हुए घंटी में हम लोग 5 घंटे से 4 घंटे से यही लोग यही नहीं अभी तुम्हारा शॉपिंग करते हैं ठीक है ना, और अब हम लोग जा रहे हैं वहाँ से एक्सपेंसेस एंड ऑफ कुछ भी नहीं मिल रहा और फिर फ्रेंड्स हमने बहुत सारी शॉपिंग की, मुड़ो पीछे मुड़ो बैग्स दिखाओ जाते हुए सारा सामान इन्होंने उठा दिया, सिर्फ कैमरा पकड़ते हुए उठाते हुए मैंने संभाल लिया। उसके बाद हमने हल्दीराम से अपने लिए कुछ पैक कराया और फिर हम निकल पड़े घर के लिए। अब महंगा और बस हम लोग पहुंच गए कार में शॉपिंग करके और अब हम घर जा रहे हैं, और ये भी डाइट के हिसाब से अपन खा रहे हैं। हां डाइट के, सुबह से निकले थे तो सबसे पहले तो कुछ काम से हम लोग को आशी का कुछ काम करवाना था, तो पहले हम लोग उसके पास गए, रूम शिफ्ट किया है उसने, फिर उसके बाद से हमको कहाँ जाना था, मिराकी वहाँ पे साकेत कुछ बिजनेस कोलैबोरेशन का देख रहे हैं तो उनका टेस्ट करना था, तो इसीलिए वो भी हमने वहाँ पे एकदम हेल्दी ग्लूटेन फ्री ब्रेड विथ हमस खाया है हमने, और डेजर्ट थोड़ा सा टेस्ट किया, लेकिन वो जो सबसे छोटी क्वांटिटी उनके पास ऑप्शन में अवेलेबल था हमने वो ही लिया। उसके बाद से हम दिन भर, मतलब मान लीजिए वो हमारा ब्रेकफास्ट था, उसके बाद से हम दिन भर भूखे ही हैं अभी तक, शाम को हम मत पूछिए हम डोमिनोज और क्या कैवेंटर्स और सीसीडी एंड और कहाँ कहाँ से गए हम लोग, KFC सबवे सबके सामने से गए, बट हम हल्दीराम से गए, वहां से हेल्दी ढोकला लिया और अब हम वो खा रहे हैं। कुछ नहीं कर सकते फ्रेंड्स, सोचा था शादी में बहुत डाइटिंग करेंगे बट स्केड्यूल ही दिन भर बाहर बाहर चले जा रहे हैं, तो अब आदमी भूखे तो रह नहीं सकता तो कुछ तो खाएंगे, तो जितना अरे वाह, यहाँ एक बच्चा है जो इतना अच्छा कसरत कर रहा है, अगर मैं दिखा पाती, और मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि पिछले 4 साल से जिन 2 ब्रांड से मैं सबसे ज्यादा शॉपिंग करती हूँ, H&M एंड मार्क्स एंड स्पेंसर, साकेत जोशी से सब बकवास है और आज सबसे ज्यादा शॉपिंग साकेत ने मार्क्स एंड स्पेंसर और H&M से की है। वैसे H&M में दिल टूट गया मेरा क्योंकि एक बहुत प्यारा शर्ट था, स्वेट शर्ट था जो साकेत मेरे को दिला रहे थे, और किस्मत इतनी खराब, मैंने आज तक किसी के साथ होते नहीं देखा, साइज फिट सब चीज अच्छा, उसका मैग्नेट लॉक नहीं निकला तो वो खरीद ही नहीं पाया हम लोग, ना ही उसका अब उसकी साइज में दूसरा पीस अवेलेबल था, और सेम चीज का मिंत्रा में भी वो मेरा साइज अवेलेबल नहीं है, तो किस्मत की बात है। चलिए चलते हैं, अभी इनको ड्रॉप करेंगे चलेंगे।